सभी महानुभाव और विश्व भर से आए हुए अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, एनटीवी समिट यहां सम्मिलित होने के लिए आप सभी भारत आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को अब से करीब 25 वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था। तब से लेकर के अलग अलग देशों में टीबी की रोकथाम के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए गए हैं। निश्चित तौर पर हम सभी ने एक काफी लंबा रास्ता तय किया है। टीबी की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि टीबी को रोकने में हम अब भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब कोई कार्य 10 साल 20 साल से किया जा रहा है और उसके नतीजे वैसे नहीं आते हैं जैसी की अपेक्षा की गई थी, तो हमें अपनी अप्रोच बदलकर देखना अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह की योजनाओं को लागू किया गया है, जमीन पर जिन तरह से काम हो रहा है, उसे बहुत व्यापक तरीके से एनालाइज करने की समय की मांग है। जब आप गंभीरता से पुरानी प्रक्रियाओं को एनालाइज करते हैं, तभी नई अप्रोच का रास्ता खुलता है। और मुझे खुशी है कि इसी सोच के साथ भारत की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मिलकर एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों को आज हम एक मंच पर ले आए हैं। इसी साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक से पहले की तैयारी के तौर पर आज का यह आयोजन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली एनटीबी समिट टीबी को धरती से हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक लैंडमार्क इवेंट के रूप में जाना जाएगा। साथियों, अभी हाल ही में इसी दिशा में भारत की एक और पहल को एक वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले वर्ष दिल्ली कॉल फॉर एक्शन टू एंड टीबी इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बाय 2030 के प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई प्रक्रियाएं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टीबी को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत सकारात्मक पहल के तौर पर सामने आ रही है। टीबी जिस तरह लोगों के जीवन पर, समाज के स्वास्थ्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के भविष्य पर
असर डालती हैं उसे देखते हुए अब तय समय के भीतर टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है, गरीब उस मुसीबत में फंसता है और इसलिए टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन मैं आज इस मंच से एक घोषणा कर रहा हूं कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। हमारी सरकार एक नई अप्रोच, नई रणनीति के साथ भारत से टीबी समाप्त करने के मिशन से जुट गई है। भारत सरकार द्वारा जो नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उसकी एक झलक आपने अभी यहां प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में भी देखी है। टीबी खत्म करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उत्तरदायी हैं उन्हें हमारी सरकार एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। फ्रेंड्स, भारत में टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था वह पूरी तरह ऑपरेशनल है। सरकार द्वारा टीबी से जुड़ी योजनाओं पर बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में ही हमारी सरकार ने इस बीमारी के मरीजों को पौष्टिक सहायता देने के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है। मरीजों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट खरीदने में दिक्कत ना हो इसके लिए उनके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जा रही है। टीबी के मरीजों की सही पहचान हो, एक्टिव केसेस के बारे में समय पर पता चले, जो दवाइयां दी जा रही हैं वो प्रभावी है भी या नहीं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो नहीं है, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक स्तर पर सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उसका काम किया जा रहा है। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के साथ सरकारी योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर रही है। इसके अलावा हमारा जोर टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से ज्यादा और उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी हमारा बल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आधार बनाते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और उससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, डिजीज सर्वेलेंस के लिए, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन देने के लिए
आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हमने डिजिटल एक्सरे रीडिंग के लिए स्वदेशी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन भी विकसित किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस मशीन को ट्रूनेट नाम दिया गया है। ये मशीन मेक इन इंडिया की मुहिम को भी बदल देती है, बल देती है। टीबी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे वैक्सीन, बेहतर दवाइयां, डायग्नोस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी को और मजबूत करने के लिए इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्टियम, उसकी भी हमने स्थापना की है। टीबी को भारत से मिटाने के लिए राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मिशन में राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने खुद देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। यहां इस आयोजन में राज्यों की तरफ से आए मंत्रीगण और संबंधित पदाधिकारियों का इतनी बड़ी राज्यों में बड़ी संख्या में उपस्थित होना इस बात का संकेत है कि कैसे हम टीम इंडिया की तरह अपने देश को टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, टीबी से मुक्ति का ये मिशन भले भारत में हो या किसी भी देश में, फ्रंटलाइन टीबी फिजिशियंस और वर्कर्स की बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही हर वो व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित होने के बाद रेगुलर दवा लेता है, अपना इलाज कराता है और इस बीमारी को हरा कर ही दम लेता है, वो भी प्रशंसा का पात्र है। अभी बिहार के हमारे एक साथी ने जिंदगी कैसे जीत लेती है इसका बयान किया। मैं कभी इन टीबी के मरीजों से जब मिला हूं तो पहले तो छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं, उनको लगता है मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। बाद में पता चल जाता है तो मान लेते हैं कि बस अब एंड ऑफ द रोड, अब आगे कुछ नहीं बचा है। मैं एक बार ऐसे ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपको टीवी देखने की आदत है? बोले हाँ है। डेली देखते हैं? हाँ बोले डेली देखते हैं। छुट्टी के दिन ज्यादा देखते हैं, वैसे भी एक आध घंटा तो टीवी के सामने चला जाता है। मैंने कहा टीवी देखने की आदत छूट सकती है क्या? तो बोले बहुत मुश्किल है। मैंने कहा टीवी से छुटकारा मुश्किल है, टीवी से छुटकारा सरल है। एक बार मन में ठान लो आप उससे मुक्त हो सकते हो। और टीवी का मरीज अपनी इच्छा शक्ति से जिस तरह इस बीमारी पर विजय प्राप्त करता है, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मरीजों की इच्छा शक्ति और अपने पैशनेट टीबी वर्कर्स के सहयोग से भारत के साथ ही दुनिया का हर देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। और मेरा अनुभव है कि जिसने ये जीत प्राप्त की है, समाज के हर तबके के लोग, वे अगर आकर के लोगों के साथ बात करते हैं तो उसमें सरलता बहुत बढ़ जाती है। उसका अपना जीवन का अनुभव दूसरे को प्रेरणा देता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति कितनी ही बात बता दे, कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी कितने ही बड़े मजेदार संदेश दे दे,
लेकिन जो इस जिंदगी को जी करके निकला है, जीत करके आया है, उसकी बात सामान्य गरीब पेशेंट भी आसानी से समझता है, स्वीकार कर लेता है। और इसलिए हमारे अप्रोच में, और इसी के कारण है कि आज ऐसे एक व्यक्ति का भी यहां भाषण हुआ कि जिसके कारण एक विश्वास पैदा हो कि मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है। यहां हेल्थ सेक्टर के जो लोग भारत से हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर अपना बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपके लिए टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 नहीं है, आपके लिए 2025 है। सही रणनीति के साथ, सही तरीके से ग्राउंड पर हम नीतियों को लागू करते चलेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर, स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करके, टीबी की जांच के तरीकों, टीबी के इलाज यानी मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार और प्रशासन के हर स्तर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, सभी को अपने अपने स्तर पर टीबी फ्री गांव, टीबी फ्री पंचायत, टीबी फ्री जिला या टीबी फ्री राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी होगी। फ्रेंड, भारतीयों को, भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कुछ लोगों को मुश्किल भले लग रहा हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। पिछले 4 साल से जिस तरह हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा इस टीम पर भरोसा है। भाई और बहनों, हम समस्याओं को, चुनौतियों को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब होलिस्टिक तरीके से इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जाता है तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। मैं आलोचना में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको अपने यहां के इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। भारत में इम्यूनाइजेशन 30-35 साल से चल रहा है, बावजूद इसके 2014 तक हम संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए थे। जिस रफ्तार से इम्यूनाइजेशन का दायरा बढ़ रहा था, अगर वैसे ही चलता रहता तो भारत को संपूर्ण कवरेज तक पहुंचने में और 40 साल लग जाते हैं। साथियों, पहले हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज सिर्फ 1% की रफ्तार से बढ़ रहा था, सिर्फ 3-3.5 साल में अब ये 6% से प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है और वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 1 वर्ष में हम 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। दूसरे देशों से आए हुए हमारे अतिथि सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। साथियों, मैं जब नई अप्रोच की बात करता हूं तो उसके पीछे यही वजह है। हमने पहले देश के उन जिलों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जो बरसों से चल रहे इम्यूनाइजेशन कवरेज से बाहर थे, या जहां टीकाकरण के नाम पर सिर्फ खानापूरी पूर्ति हो रही थी। इन क्षेत्रों को टारगेट करके हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया, वैक्सीनेशन के लिए नई दवाइयां जोड़ी और ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना शुरू किया। आज इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। साथियों, ऐसे ही नई अप्रोच के साथ हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का जो दायरा लगभग 40% था, अब वो बढ़कर
लगभग 80% तक पहुंच गया है। इतने कम समय में हमने दोगुनी कवरेज हासिल की है। हम बहुत तेजी के साथ अक्टूबर 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की तरफ उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं ये दो उदाहरण आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं हर देश के बीच इस बात पर बल देना चाहता हूं कि बड़े और मुश्किल लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। हां, उसके लिए पहली आवश्यकता है कि कोई लक्ष्य तो तय किया जाए। जब लक्ष्य ही तय नहीं होगा तो फिर न रफ्तार होगी, न दिशा रहेगी और न ही आप मंजिल को कभी ढूंढ पाएंगे, मंजिल को कभी पहुंच पाएंगे। साथियों, इसी हौसले के साथ इसी तरह तय लक्ष्य और तय रणनीति पर चलते हुए भारत भी 2025 तक टीबी मुक्त होने के अपने संकल्प को पूरा करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। साथियों, आप सभी हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, यहां ये भी भली भांति समझते हैं कि कोई भी बीमारी को खत्म करने के लिए मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। टीबी के विषय में मैंने दवाइयां, इलाज की मॉनिटरिंग, रिसर्च, पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता जैसे अनेक इंटरवेंशन के बारे में आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही भारत में कुछ और भी चीजें हो रही हैं जो टीबी के प्रभाव को, इस बीमारी को कम करने में बहुत सहायक है। इनमें से एक स्वच्छ भारत मिशन है जिसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसी तरह भारत सरकार की उज्ज्वला योजना भी टीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम कर रही है। घर में एलपीजी गैस कनेक्शन आने के बाद महिलाएं, उनके बच्चे, उनका परिवार लकड़ी के धुएं से मुक्त हो रहे हैं और साथ ही साथ खुद पर टीबी का खतरा भी कम कर रहे हैं। क्लीन कुकिंग, इस मूवमेंट को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 4 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पोषण मिशन भी शुरू किया है। इस मिशन का मकसद सिर्फ लोगों को पौष्टिक भोजन देना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य वो इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कुपोषण की संभावना कम से कम हो। साथियों, इस साल के बजट में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी शुरू करने का ऐलान किया है। ये योजना है आयुष्मान भारत, हमारे मंत्री जी ने उसका विस्तार से बताया है, लॉन्ग लिव इंडिया। इसके माध्यम से हमारी सरकार देश में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सिस्टम को और मजबूत करने का काम करेगी। सरकार द्वारा देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। ये वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर का काम कर रहेंगे जहां पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी होंगी और लोगों को सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 10 करोड़ गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष का हेल्थ एश्योरेंस भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा भारतीय दर्शन और भारतीय पुरातन विज्ञान स्वास्थ्य को लेकर हमेशा आए बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे यहां कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी
May all become happy. May all be free from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. इसी दर्शन की वजह से भारत भूमि पर आयुर्वेद और योग जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का जन्म हुआ, जो आज पूरे विश्व में विस्तार हो रहा है। सैकड़ों वर्षों से ये भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है कि क्यूरेटिव, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इन तरीकों से को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। हमारी सरकार भी पुरातन भारतीय पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को साथ लेकर के चल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से आज ये भी आग्रह करूंगा कि टीबी के निदान में आयुर्वेद के योगदान को लेकर रिसर्च का दायरा बढ़ाया जाए और उसके जो भी नतीजे आए वो हमारे साथी देशों से भी साझा किया जाए। सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर हम जब काम कर रहे तब क्षेत्रीय सीमाओं में ये हमारा मंत्र बना हुआ नहीं है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कम्युनिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी योजना सफल हो या असफल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लास्ट नीडी पर्सन को कितना लाभ हो रहा है। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी योजनाएं उस लास्ट नीडी पर्सन तक पहुंचे और उसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएं। आज इस अवसर पर मैं हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था, सिविल सोसाइटी से जुड़े हर प्रतिनिधि से भी ये संकल्प लेने के लिए आग्रह करता हूं कि वो टीबी के उस लास्ट पर्सन तक पहुंचने में, टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister, giving us a most wonderful inaugural address. So privileged and honored to have him here with us. So with that, ladies and gentlemen, we come to the end of the inaugural session of the End Tuberculosis Summit. I request you to kindly remain in your places.